हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइन आर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 3D ड्राइंग ऑफ दमयान कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने से पहले आपको सबसे पहले दमयान की ड्राइंग बनानी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में दो नॉन पैरेलल लाइंस लगानी हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये नॉन पैरेलल ही होनी चाहिए और बाद में आपको उनके एंड्स को मिला देना है। तो इनके एंड्स को मिलाने के बाद ये कुछ एक फ्लोर की तरह लगेगा, यानी कि जो बेस है ना उस तरह से। उसी तरह आप इसके दूसरे एंड्स को भी मिला दीजिए। और अब आपको दमयान की वेस्ट से ऊपर की बॉडी के साथ साथ सीजर की हेल्प से कट करना है। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीजर वर्क किसी बड़े की प्रेजेंस में करें। तो यहां मैंने इसे कट कर लिया है। तो बाकी के जो शीट्स के पार्ट्स बचाते हैं उसे आप मार्कर की हेल्प से कवर कर सकते हो ताकि वो ना दिखाई दें। जैसे कि इसकी आर्म की साइड में थोड़े शीट्स के टुकड़े बच गए थे तो उन्हें मैंने यहां से मार्कर से कलर कर दिया है। और जिन पार्ट्स को काटना थोड़ा मुश्किल होता है उसे आप ब्लैक मार्कर की हेल्प से कलर कर सकते हो, क्योंकि हमें बेसिकली ड्राइंग को 3D दिखाना है। तो इस पार्ट को हम ब्लैक मार्कर की हेल्प से कलर कर देंगे। तो हमने बाकी के व्हाइट पार्ट को भी ब्लैक मार्कर से कलर कर दिया है। और अब हमें इसकी शैडो बनानी है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। तो शैडो बनाने के लिए आप सिंपल एक पेंसिल का यूज भी कर सकते हैं। जिस तरह से स्नेक की बॉडी होती है ना उस तरह से दमयान भी होता है। तो इसके साथ साथ आपको इसकी शैडो दिखानी है। कुछ जगह से डार्क तथा कुछ जगह से आप इसको लाइट रख सकते हो। और यहां पर भी इस तरह से ही आप शैडो दिखा सकते हो। तो अब हमारी ड्राइंग पूरी हो चुकी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।